हेलो एनस, सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, ये आज अभी क्या ये 5:45 बजने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, रोज़े का टाइम होने वाला है और 5:45 हैं। गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। आज मैंने सोचा इस तरह से थोड़ी सी ब्लॉगिंग करके देखते हैं क्या व्यूज़ को थोड़ा करने के लिए। और यस, मैं आपसे कह रही थी क्या टाइम हुआ, 1 मिनट। ये देखें, ये शाम के 5:45 बज चुके हैं। ठीक है, अभी तक हाँ जी, क्या अफ्तारी की क्या सूरत हाल है वो देखते हैं। ये बैठी हुई हैं हाला साहिबा और शायान इस वक्त। जी बिल्कुल, वो अपने काम में भी। ये देखें, ये मैक्रोनीज बनाई हुई थी मैंने खाला के लिए बनाई थी, और ये देखें ये निहारी भी पड़ी हुई है, इसलिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, हो गया अफ्तारी का तमाम। ये मेरे पड़ोसियों के घर से ये अफ्तारी आई है, और एक के घर से ये चले जी बिरयानी भी आ गई, और मज़ेदार किस्म के ये हमारे पास चाट और फ्रूट भी आ गया और पकौड़े भी आ गए। लेकिन चूंकि मैं बैटर कट कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई बना देती हूँ जी। तो ये मैंने बैटर बना लिया जल्दी से, और आज मैं सोच रही हूँ मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि शुरू में जितनी मैं वीडियोस बनाती थी ना, उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करती थी। और अच्छा जी, ये देखें जी, इसमें देखिए मैंने कितना कम डाला है बेसन। बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरह से पकौड़े। हाथ से डालने की मुझे आदत है, मुझे अच्छा लगता है हाथ से डालना, और मुझे इजी भी लगता है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और इस मौसम में बहुत दिल भी चाह रहा है कि पकौड़े खाए जाएं जी। यहाँ ना एक्चुअली मैंने ये वीडियो आज जो बनाई है वो इसलिए बनाई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो आल तो मेरे लिए, आपको पता मैं बनाती ही नहीं हूँ आजकल, ज़रा थोड़ा गैप दे रही होती हूँ एक दिन का। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो मेरी एक साथी यूट्यूबर हैं, उनका नाम है पाकिस्तानी ब्लॉगर, पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं वो, और उनको मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि माशाल्लाह से उनकी, पता है मुझे सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज उनका जो चैनल है वो मोनिटाइज हो चुका है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सी कामयाबियाँ दे। पाकिस्तानी ब्लॉगर मॉम के नाम से है, और अल्लाह ताला उनको बहुत सी कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला करे कि उनके चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए। मोस्टली वो क्लीनिंग की वीडियो बनाती हैं, लेकिन बाकी आजकल ब्लॉग्स बना रही हैं, देख रहे हैं हम, हमें अच्छे लग रहे हैं, तो इसी तरह बनाती रही है। व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं एक्चुअली, डिफरेंट वो होते हैं ना लोग। कुछ लोगों को आपके व्लॉग्स पसंद आते होंगे, तो कुछ लोगों को आपकी क्लीनिंग की वीडियोस अच्छी लगती होंगी। हमें तो भाई आप जो भी बनाए अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत कामयाब करे, बहुत ग्रो करे आपका चैनल। जी हाँ, ये हमारे जो पकौड़े हैं ना वो भी तैयार हो गए। आल तो आज मुझे ज़रूरत इतनी नहीं है आपको पता इतनी ज़्यादा, लेकिन पकौड़े मौसम की वजह से दिल चाह रहा है कि खाए जाए, अदरवाइज बाकी चीज़ें काफ़ी हैं। ये देखिए जी, ऑलमोस्ट मेरे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक ही उसमें सारे कंप्लीट बना दिए, ताकि ये है कि मुझे बार बार डालने भी ना पड़े, और दूसरी बात ये है कि क्या मैं एक दो पकोड़ों को अब दूसरी दफ़ा डालती, आपको बता है, बस ज़्यादा देर खड़े होने को दिल भी नहीं चाह रहा होता। और अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं बेहतरीन किस्म के, ये देखें पकोड़े तैयार हैं। बेहतरीन पकौड़े तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैंने शायद पहले भी जब एक पकौड़े की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी, आई आस्क्ड यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पकौड़े खाती हूँ पराठे के साथ या तंदूर वाले नान के साथ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी ऐसे किया? बहुत मज़ा आता है खाते हुए। जो बच जाएंगे आज मैं उनकी बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि इतने तो पकौड़े कोई खाएगा नहीं, और जो बच जाएंगे उनकी मैं थोड़ी सी अपने लिए बिस्मिल्लाह कड़ी बना लूँगी। और बहरहाल जी, ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।